हे गाइस वेलकम बैक टू चैनल मल्टी बैगर इंडिया दोस्तों बात करेंगे फेडरल बैंक के बारे में अगर इंडिया में हम छोटे बैंक्स देखें तो उसमें ये एक हाई क्वालिटी बैंक है और पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्यूचर में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना दे सकता है तो इसमें जो लेटेस्ट अपडेट है न्यूज़ है उसके बारे में बात करेंगे इसकी फ्यूचर ग्रोथ को लेकर बात करेंगे और इसमें आ, कौन से ऐसे टारगेट्स हो सकते हैं जिन पे आपको नज़र बनाकर रखना चाहिए ये डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना तो अभी दोस्तों अगर आप सिक्स मंथ्स में देखोगे इसको तो इसने फिफ्टी टू परसेंट के रिटर्न बनाकर दिए हैं तो सिक्स मंथ्स में फ़िफ्टी टू परसेंट काफ़ी अच्छे रिटर्न माने जाएंगे और अगर बात करें दोस्तों इसके पास्ट के रिटर्न्स के जो टोटल रिटर्न्स इसने अभी तक बना कर दिए हैं 2001 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी तो इसने मल्टी बैगर दिए हैं सात परसेंट के तो ये एक मल्टी बैगर रहा है सो अभी अगर देखो आप इसको तो बुक वैल्यू इसकी सेवेंटी की है और जो प्राइस टू तो अर्निंग रेशो है वो इलेवन का है दोनों यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं सो so, अगर आप देखोगे जो टिकल uh, टेप की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है वो उसके शेयर प्राइस से ज़्यादा है दैट मीन्स टिकल टेप के अकॉर्डिंग ये स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है और जहाँ तक रिटर्न की बात है तो इसने एफ डी से अच्छे रिटर्न दिए हैं और डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड ये अच्छा पे नहीं करता है तो एक ग्रोथ स्टॉक है दोस्तों एंट्री पॉइंट यहाँ पर सही बताया जा रहा है और कोई रेड फ्लैक्स भी इस पर नहीं बताया जा रहा है अब अगर दोस्तों हम क्वार्टरली फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखें इस बैंक की तो अच्छे खासे नेट प्रॉफिट इन्होंने मेंटेन करके रखे हुए हैं और अभी जो क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आए थे उसमें 418 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट दिखाया है तो अगर उसको क्वार्टर टू से भी कंपेयर करोगे आप तो उसमें तीन करोड़ के इनके नेट प्रॉफ़िट थे तो एक अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिला है बैंक में दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होते हैं उसके ग्रॉस एन उसके नेट एन तो अगर आप इसके ग्रॉस एन नेट एन दोनों चेक करोगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से उनको रिड्यूस कर रहा है तो अभी अगर आप क्वार्टर थ्री में देखोगे तो इन्होंने नेट एन को रिड्यूस करके जीरो पॉइंट सिक्स वन परसेंट तक ही लेकर आए हैं जो कि आप देख सकते हो एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है सो so इसमें अगर दोस्तों हम देखें जो मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है वो डी के पास है फोर्टी फोर परसेंट की होल्डिंग डी के पास है एफ के पास ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स नाइन परसेंट है और पब्लिक के पास थर्टी थ्री पॉइंट सेवन वन परसेंट है सो so, अभी क्वार्टर थ्री में देखें दोस्तों तो जो पब्लिक की होल्डिंग है वो डिक्रीज़ हुई है थर्टी सेवन परसेंट से थर्टी थ्री परसेंट हुई है और जो डी की होल्डिंग है उन्होंने अच्छा खासा स्टेक इसमें बढ़ाया है थर्टी एट परसेंट से इंक्रीज करके फोर्टी फोर परसेंट किया है जो कि एक अच्छी बात है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की बात करें तो जैसे कि आपको पता होगा राकेश झुंझुनवाला का इसमें स्टेक है उन्होंने काफ़ी टाइम से इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो अभी अगर क्वार्टर थ्री की बात करें तो टू पॉइंट फोर जीरो परसेंट का स्टेक है उनका और उसके अलावा दोस्तों ये यू के काफ़ी बड़े बिजनेस मैन हैं यूसुफ अली मुसलियम इनका थ्री पॉइंट नाइन फाइव परसेंट का स्टेक है सो so अभी बात कर लेते हैं इसमें अपडेट की जो ग्रोथ को लेकर है फिनंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल आप यहाँ पे देख सकते हो फेडरल बैंक एक्सपेक्ट्स डबल डिजिट ग्रोथ इन फिनेंशियल ईयर टू कंपनी के एम एंड सी का कहना है कि इंडिया में सारे ही सेक्टर्स अब ग्रो कर रहे हैं एक्सेप्ट जो लार्ज कारपोरेट्स हैं सो जो बैंक की ग्रोथ है उसको लेकर इनका कहना है कि करंट फिनेंशियल ईयर में एट परसेंट की ग्रोथ दिखाएगा फेडरल बैंक और जैसे जैसे इकोनॉमी पिकअप करेगी तो फिनानशियल ईयर 2022 में डबल डिजिट ग्रोथ अचीव करेगा सो so, अगर बात करें करंट फिनेंशियल ईयर में अभी तक की ग्रोथ की तो सिक्स परसेंट की ग्रोथ इन्होंने दिखाई है और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि गोल्ड लोन्स उसने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है उसके अलावा जो बिजनेस एंड कमर्शियल बैंकिंग है वो भी यहाँ पर ग्रो कर रही है और जो होम लोन्स हैं उसने भी अब पिकअप करना स्टार्ट कर दिया है ऑटो लोन्स की बात करें तो ऑटो लोन्स में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और दोस्तों करंट फिनंशियल ईयर 2021 के सेकेंड हाफ़ में ये लोग कैपिटल रेस करने के बारे में भी प्लान कर रहे हैं और उसके अलावा ये अपना क्रेडिट कार्ड भी लेकर आने वाले हैं उसकी भी ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं 2021 में तो आप देख सकते हो कंपनी यहाँ पे एक्सपैंड करने का सोच रही है इसलिए कैपिटल रेस करने वाली है और ऑब्वियसली क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है तो ये बैंक खुद का क्रेडिट कार्ड लेकर आने का सोच रहा है तो आप देख सकते हो बैंक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन और ग्रोथ पे फोकस कर रहा है दोस्तों ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है इसमें एक कैंडल एक महीने को रिप्रेजेंट कर रही है तो अगर आप देखोगे मार्च में जब मार्केट क्रैश हुआ था तो इसका स्टॉक ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो गया था फिफ्टी रुपीज़ के भी नीचे चला गया था और वहाँ से एक अच्छी कहाँ रिकवरी इसमें आई है वी शेप रिकवरी आई है दोस्तों आ, अगर आप देखोगे जो इसने ऑल टाइम हाई लगाया था वो टू नाइन्टी रुपीज़ के अराउंड का इसका ऑल टाइम हाई है तो आप देख सकते हो इस बैंक में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है ऊपर जाने का जैसे जैसे बैंक अपने रेवेन्यूज़ में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ दिखाता है और जो इनके एन हैं उनको और ज़्यादा इम्प्रूव करता है सो so फ्रेंड्स मुझे लगता है ये बैंक जो इसके ऑल टाइम हाई है टू नाइन्टी रुपीज़ के अराउंड का हाई है उसको अचीव कर सकता है तो बात करें शॉर्ट टर्म के रेजिस्टेंस की तो वन ट्वेंटी रुपीज के अराउंड इसमें शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस एक आपको देखने को मिल सकता है आप इस पॉइंट को देख सकते हो सो so दोस्तों बैंक अभी अंडर वैल्यूड है और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा बेट हो सकता है सो so अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई अंडर वैल्यूड बैंक ढूंढ रहे हो जो जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है फ्यूचर में अच्छा जो है मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है तो इस बैंक को आप कंसिडर कर सकते हो मेरे हिसाब से ये बाय ऑन डिप्स का स्टॉक है करेक्शन पे आपको मिलता है डिप्स पे मिल सक मिलता है तो वहाँ पे आप एक्यूमिलेट कर सकते हो हाँ यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा ये थोड़ा सा स्लो मूविंग शेयर है बहुत तेज़ी के साथ ये मूव नहीं करता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है लंबा टाइम आपको इसमें लग सकता है रिटर्न मिलने में लेकिन जहाँ तक बैंक की क्वालिटी की बात है परफॉर्मेंस की बात है फंडामेंटल्स की बात है तो अच्छा बैंक है दोस्तों इसको कंसिडर किया जा सकता है सो so, अभी जैसे कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड लग रहा है काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है तो ऐसे टाइम पे अंडर वैल्यूड जो स्टॉक्स हैं उन्हीं को सेलेक्ट करना जो है एक समझदारी वाला काम होगा क्योंकि अगर किसी वजह से मार्केट में करेक्शन आता है कुछ गिरावट आती है तो जो स्टॉक्स ज़्यादा भागे नहीं हैं ज़्यादा ओवर नहीं हुए हैं उनके गिरने के चांसेस कम होते हैं सो डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो स्टॉक थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है जो करंट लेवल है इसका करंट जोन है सो so, कंसोलिडेशन में अभी ये थोड़ा सा रह सकता है यहाँ पे तो मेरे हिसाब से जो करंट लेवल है इस पे भी आप इसमें बाइंग स्टार्ट कर सकते हो लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना है धीरे धीरे शेयर्स को एक्यूमुलेट करना है और स्मॉल क्वांटिटीज के साथ इसमें इन्वेस्ट करना है बाकी दोस्तों डिस्क्लेमर यही है आ, अपना एनालिसिस भी कर लेना एक बार इसके बारे में बाय करना है नहीं करना है आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय फॉर नाउ